अध्याय 19। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। वो धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहीम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, क्योंकि वो यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला कि राजपद पाकर फिर आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दीं और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे, इसलिए उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि ये हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया कि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया है। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरों ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी है, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, यहां लाकर मेरे सामने घात करो। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। और जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिहा के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर लाओ
यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। विदिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने ये अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। और वो प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि ये किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसके सुनते थे।